मैं हूं राशिद गफ़ार जी। ये वो जगह है जहां पर रात से कुछ अफवाहें गर्दश कर रही थी कि त्यारा गिरा है। कुछ लोगों के बकौल ये ड्रोन त्यारा था, कुछ कह रहे थे जेट त्यारा है। ताहाल कोई भी बात सामने नहीं आई, ना पाकिस्तान फजाइया की तरफ से आई है, ना पाकिस्तान आर्मी की तरफ से आई है। ये वो जगह है जहाँ का आज विज़िट किया गया। ये जो भी चीज़ थी गिरने के बाद, जो भी हादसा पेश आया, ये जगह आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर ये जो इमारतें थी, कमरे थे, वो गिर गए। इनके साथ टीयर गार्डर और ये जो जितना भी सामान था बुरी तरह मुतासर हुआ, ये आप देख सकते हैं। जो था ये रात 7 तकरीबन 7:15 के वक्त पेश आया था रात को। तो जैसे इतला मिली, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस इस जगह पे पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान आर्मी की टीमें भी जो थी वो रफ्ता रफ्ता यहाँ पे पहुंचना शुरू हो गई थी। रात तकरीबन 10 बजे के करीब मीडिया को, पुलिस को, सबको साइड पर कर दिया गया। पाकिस्तान आर्मी ने ये जगह का कंट्रोल संभाल लिया। संभालने के बाद कुछ चीज़ों का जायज़ा लिया गया और इस एरिए को सील कर दिया गया। काफ़ी टीमें आई थी पाकिस्तान आर्मी की, उसमें फजाइया भी थी और पाकिस्तान आर्मी थी, वो आए और आके चेक करके चले गए। लेकिन हतमी नताइज या कोई भी रिजल्ट किसी को नहीं दिया गया। ये मनाजर जी आपको दिखा रहे हैं उस जगह के हैं। रात जो एक वाकया पेश आया जिसके बारे में कुछ लोग कह रहे थे ये जेट है, कुछ कह रहे थे ये ड्रोन है, और बाज़ जो लोग कह रहे थे तजिया नगार, वो कह रहे थे कि कोई चीज़ गिरी है। मतलब कोई भी हतमी रिपोर्ट किसी के पास नहीं थी, ना अभी तक किसी भी अदारे ने कोई रिपोर्ट जारी की है, ना न्यूज़ चैनलों पर बताई गई है। आज ये उस जगह के आपका व्यू दिखाया जा रहा है, व्यू दिखाया जा रहा है जी। ये वो जगह है जहाँ पर ये हादसा पेश आया। मेहमान राशिद गफ़ार को दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।